Hello friends, I Susanta, welcome you all to class 10 geography chapter 2, that is forest and wildlife resources. So let's start. Forest and wildlife resources, iska matlab hai van evam vanya jeev sansadhan. Is graha par hum sukshm jivanuon aur bacteria jok se lekar bat vruksh हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं. यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है. मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं. उदाहरणतया वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जैसे हम पीते हैं और मृदा जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते. पौधे, पशु और सूक्ष्मजीवी इनका पुनः सृजन करते हैं. वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं. सो चलो आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इट इज गिवन फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया. सो लेट्स स्टार्ट. इसका फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया इसका मतलब है भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात. यदि आप आसपास नजर दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं. वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है. यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% मतलब 8% संख्या पाई जाती है. ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है. आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं. आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है. ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुंथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है. कुछ अनुमान यह कहते हैं कि भारत में 10% वनस्पतियों और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है. इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने के कगार पर है. इनमें चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल और जंगली चित्तीदार उल्लू और मधुकान इनसिग्निस और बहुत सारे ऐसे पौधे भी शामिल है. वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी है. आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्रेरणाओं, इतना सारे प्राणी हैं और पौधे के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है. परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं. आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं. अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, इसको शॉर्ट फॉर्म में IUCN, इसके अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है. तो फर्स्ट वाला क्या है, चलो देखते हैं. फर्स्ट वाला दिया हुआ है कि नॉर्मल स्पेसिस, इसका मतलब है सामान्य जातियां. वे जातियां
ऐसा है जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है एंडेंजर्ड स्पेसीज, इसका मतलब है संकटग्रस्त जातियां। ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है, जैसे कि काला हरिन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, इसे बहुत सारे शेर पूछ वाला बंदर इत्यादि, इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है वल्नरेबल स्पेसीज, इसका मतलब है सुहेद्य जातियां। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती है और इनकी संख्या घटती रहती है, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी, जैसे कि नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि, इस प्रकार की जातियों के उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट में रेयर स्पेसीज, इसका मतलब है दुर्लभ जातियां। इन जातियों को संख्या बहुत कम या सुहेज्य है, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है एंडेमिक स्पेसीज, स्थानिक जातियां। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां, जैसे कि अंडमानी टिल, निकोबरी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन, इन जातियों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट में एक्सटिंक्ट स्पेसीज, इसका मतलब लुप्त जातियां। ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई है। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गए हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख शामिल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो हम क्लासिफिकेशन पढ़ लिए हैं। विल सी वंस अगेन, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टेक केयर ऑफ योर स्टडीज। थैंक यू।